गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गिरोह बनाकर लूट और हत्या करने वाले गिरोह के सरगना सहित 8 लोगों को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा, लूट में असफल रहने पर व्यापारी को मारी थी गोली, इलाज के दौरान हुई थी मौत। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में घटित 32 लाख रुपए की लूट की घटना में रहे शामिल, खोली जाएगी हिस्ट्री शीट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेक डैम वे पोर्टल व भूगर्भ जल अधिनियम के तहत 278 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। आईजीएल मैनेजर से किए संवाद, कहा अब जल संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा, जल की कमी होगी दूर। केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट के दौरान एसटीएफ ने एक मुन्ना भाई को धर दबोचा। आरोपी सॉल्वर बिहार के गोपालगंज का है रहने वाला, दे रहा था प्रयागराज के रहने वाले की जगह एग्जाम, 50,000 रुपए में तय हुई थी बात। जिले में पल्स पोलियो अभियान का जिला महिला अस्पताल में सीएमओ ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का किया शुभारंभ। कहा आज बूथ दिवस पर 1,891 बूथों पर बच्चों को दी गई 2 बूंद जिंदगी की, 7 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की दवा। 1 फरवरी से घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट का शहर के 108 केंद्रों पर हुआ आयोजन। परीक्षा में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। कोविड प्रोटोकॉल के 100% पालन करते हुए अभ्यर्थियों को केंद्र में मिला दाखिला। गोरखपुर में रविवार को मिले मात्र 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,383। अब तक 357 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 88 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम का DVNPG कॉलेज में किया गया आयोजन। विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में छात्राओं को दी जानकारी। मार्च 2020 से कोरोना के कारण ठप निशुल्क ओपीडी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के जिला इकाई फिर से 1 फरवरी से करेगा शुरू निशुल्क ओपीडी। सीएमओ ने किया उद्घाटन। और सुधा बिंदु सांस्कृतिक सामाजिक साहित्यिक मंच के तत्वाधान में आचार्य पंडित शरद चंद्र मिश्रा ज्योतिषचार्य की पुस्तक ग्रह भाव फल कथनम का हुआ लोकार्पण। लेखक ने कहा है, ज्योतिषचार्यों सहित आम आदमी भी पुस्तक का उठा सकेगा लाभ, मिलेगी 9 ग्रहों की स्थिति की जानकारी।